मेरा नाम अनिल भाई ठक्कर है, मैं जूनागढ़ का हूँ, सौराष्ट्र। मैं 2011 में यहाँ पे आया था अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और लोगों को मेरी आइटम पसंद आ गई और मुझे भी आनंद बहुत पसंद आ गया, तो मैं यहीं पे ठहर गया हूँ। लोग मुझे मोदी के नाम से इसलिए जानते हैं कि मेरा साइड फेस और मेरा गेटअप इस तरह से होता है, तो लोग मुझे मोदी कह के बुलाते हैं, और मुझे भी इसमें मज़ा आता है क्योंकि ऐसे लोकप्रिय आदमी के साथ अपना मिलना बहुत अच्छी बात होती है, तो मुझे ही प्राउड फील होता है। वैसे वो चाय वाले थे तो मैं पानी पूरी वाला हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग मुझे बोलते ही है कि काका अगर आप पानी पूरी नहीं बेचते चाय बेचते तो वहाँ तक पहुँच सकते थे, तो भाई मुझे कहीं नहीं पहुँचना, उसके जैसा हम नहीं बन सकते। रही बात मेरी पानी पूरी की, तो पानी पूरी वैसे देखा जाए तो हर चीज़ में बाज़ार में फास्ट फूड में मिलती है। हर चीज़ में देखो तो राजा तो बहुत है, लेकिन रानी क्वीन बोलो तो पानी पूरी एक ही है, और गुजरात में तो पानी पूरी का कोई जवाब ही नहीं है। मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में गुजरात लेवल की पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। अहमदाबाद का समझ लो 1 करोड़ रुपये का हर रोज़ का पानी पूरी का टर्नओवर होगा, जो किसी जगह पर नहीं हो सकता मेरे मानने से। गुजरात पानी पूरी के लिए पीछे इतना पागल है कि पानी पूरी तुम कहीं भी दो कैसी भी दो लोग खाएंगे, मगर अगर अच्छी दोगे तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। और पानी पूरी में भी लोग अलग अलग प्रकार से, पूरे इंडिया में बहुत नामों से पानी पूरी की ये फेमस है। लोग बोलते हैं तो अलग अलग नाम से बोलते रहते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पूरी बोली जाती है, दूसरे कहीं पकौड़ी बोली जाती है, कहीं गुपचुप बोलते हैं, कहीं पतासा बोलते हैं, कहीं पटाखा बोलते हैं, कहीं पुचके भी बोलते हैं। और ये सेव पूरी बनाने जा रहा हूँ मैं, ये ज़्यादातर ये बॉम्बे स्टाइल में चलता है। यहाँ पे आनंद में तो कहीं भी सेव पूरी खाने जाओ तो पानी पूरी की पूरी में ही तुमको सेव बेव डाल के दे देते हैं। मैं बॉम्बे स्टाइल से ही बनाता हूँ। ये मैदा की जीरा मरी वाली पूरी होती है, उसमें खजूर की चटनी, प्योर खजूर का ही चटनी चलाता हूँ, इराकी खजूर। उसमें आलू, लहसुन और लाल मिर्चा की चटनी, धनिया, पुदीना और मिर्ची, ये नमक, ये चाट मसाला, ये धनिया, धनिया के साथ केरी मिलाई हुई है। मुझे शौक़ है कि जब तक केरी मिलती रहे बाज़ार में तब तक चाहे कुछ भी भाव वो ग्राहक को खिलाने का, केरी बंद हो जाए तो दाड़म डालता हूँ मगर धनिया अकेला नहीं डालता। ये कांदा और ये सेव बारीक, ये सेव पूरी है। आलू, उसके अंदर धनिया बनिया मिर्ची ऐसा डाल के मसाला तैयार करता हूँ। वो क्या है कि एकदम सफाई रहती है, एकदम क्लीन। और पानी पूरी में पानी अलग तरीके से देता हूँ, जैसे कि मीठा और तीखा दो पानी है, मगर इसमें मैं हाथ डुबाता नहीं हूँ, ग्लास से अलग देता हूँ, प्योर डिस्पोजेबल प्लेट में ही, और एकदम हाइजेनिक आइटम देने की मेरी कोशिश रहती है। ये भी आप बास्केट चाट बना रहे हैं? हाँ, ये बास्केट चाट। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें ये मिक्स चेवड़ा होता है, वो भी मैं घर से ही बनाता हूँ। चेवड़ा भी घर पे बनाता? हाँ, मेरी लारी पे एक सेव को छोड़ के मैं हर चीज़ खुद बनाता हूँ। ये चाट मसाला भी मेरा खुद का है, ये जो चाट मसाला डालता हूँ वो भी मेरा खुद का है। पानी पूरी के अंदर का जो मसाला होता है वो भी मैं खुद बनाता हूँ, बल्कि वहाँ तक के पानी पूरी ठंडा करने के लिए पानी को जो बर्फ़ यूज़ करता हूँ वो भी हर रोज़ 15 किलो मेरे घर के फ्रिज में जमता है, वो भी मैं फैक्ट्री में से नहीं लेता, क्योंकि फैक्ट्री वाले कब धोते होंगे कब नहीं धोते होंगे क्या है उसका कोई भरोसा नहीं। तो ये तो ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का पहला एक ऐसा पानी पूरी की शॉप है जो सब कुछ घर पर बनाती है। मुझे पहले से शौक है मेरा, ये मैं पहले पढ़ाई करना चाहता था लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई,